हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 8 का पाठ नंबर 7 दहन और ज्वाला के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दहन क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दहन का मतलब होता है जलना, किसी पदार्थ का जलना हवा में। तो दहन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ वायु में जलता है और ताप या उष्मा देता है। इसमें हम लोग देखेंगे आगे कि दहनशील या दाह्य पदार्थ क्या है और अदहनशील या अदाह्य पदार्थ किसे कहते हैं। तो जलने के दृष्टिकोण से वस्तुओं को हम दो भाग में बांट सकते हैं। नंबर एक वो जो जलता हो और नंबर दो जो नहीं जलता। तो वैसे पदार्थ जो जलते हैं जैसे कागज, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, ये सभी पदार्थ दहनशील या दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। इसके ठीक विपरीत वैसे पदार्थ जो नहीं जलते जैसे पत्थर, शीशा इत्यादि, ऐसे पदार्थों को अदहनशील या अदाह्य पदार्थ कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, वो पदार्थ जो जलते हैं आसानी से उसको हम लोग दाह्य या दहनशील पदार्थ कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो नहीं जलते हैं जैसे पत्थर, शीशा, इनको हम लोग अदहनशील पदार्थ कहते हैं। अब दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां, कब कोई वस्तु जलेगी, तो इस पर हम लोग देखते हैं। तीन परिस्थितियां आवश्यक है। नंबर एक, जलने के लिए पहली शर्त, वस्तु का दहनशील होना जरूरी है। पत्थर रहेगा, हम गर्म करें कितना भी वो नहीं जलेगा। तो नंबर एक दहनशील पदार्थ, जलने की पहली शर्त है कि उस पदार्थ को दहनशील होना चाहिए, जैसे पेपर, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, ये सब जो दहनशील पदार्थ हैं वो जलेंगे। दूसरी तरफ पत्थर, शीशा, ये सब जो अदहनशील पदार्थ हैं वो नहीं जल पाएंगे। दूसरा वायु, एक सिंपल एग्जांपल, मोमबत्ती जल रही है, उसको आप